सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि धर्मनिरपेक्षता सब संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और ऐसे कई फैसले हैं जो ये स्पष्ट करते हैं कि इसे संशोधन न किए जा सकने वाले हिस्से का दर्जा दिया गया है क्योंकि ये मूल ढांचे का हिस्सा है। बेंच ने बताया कि अदालत ने धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ जाने वाले कानूनों को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। प्रस्तावना में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाएं बलराम सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की है। यह मामला जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच के समक्ष आया।